Good morning class 8. This will be your 7th lecture of computer. बेटा ये computer का आपका 7th lecture है जिसमें हम animation methods के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो an animation is a sequence of frames reproduced at high speed that the human eye is not able to perceive the changes from one image to another one. ठीक है तो एनिमेशन क्या होता है बेटा एनिमेशन में क्या होता है बहुत सारे फ्रेम्स एक साथ इतना तेजी से चलाए जाते हैं मतलब कुछ फ्रेम्स होते हैं मतलब कुछ लिमिटेड फ्रेम्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी चला दिया जाता है ठीक है तो जब वो हाई स्पीड में चलते हैं तो होता क्या है हमारी ह्यूमन आई उसको कैच नहीं कर पाती कि भैया इतनी जल्दी जल्दी फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं ठीक है तो उन्हें लगता है कि ये एनिमेशन चल रहा है ठीक है उन्हें लगता है वो कम्प्लीटली एक एनिमेटेड मूवी चल रही है बट एक्चुअल में क्या होता है वो फोटोज होते हैं फ्रेम्स होते हैं वो अलग अलग फ्रेम्स होते हैं जिनको हम बहुत हाई स्पीड में चलाते हैं ठीक है तो उसकी वजह से वो एनिमेशंस हमें अच्छे लगते हैं ठीक है ऑल दो एनिमेशंस कुछ भी खास नहीं है वो बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं जिन्हें एक बहुत हाई स्पीड में चलाया जाता है ठीक है यू कैन क्रिएट एनिमेशन इन टू वेज आप दो तरीके से एनिमेशन बना सकते हो पहला है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ठीक है आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन भी बना सकते हो वो कैसे बनता है इन दिस मेथड इमेज इज क्रिएटेड इन ईच फ्रेम तो फ्रेम बाय फ्रेम में क्या होता है इसमें क्या होता है हर एक फ्रेम में इमेज क्रिएट की जाती है दैट इज द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन द फर्स्ट फ्रेम देन ऑल दोज फ्रेम्स आर मेड विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन इट तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली जो आपकी पहली वाली फ्रेम होती है उसमें आप पूरा पूरा इमेज ड्रॉ करते हो ठीक है फिर उसके बाद वाले फ्रेम्स में वो इमेजेस ड्रॉ करते हो जो कि आप दिखाना चाहते हो अपने पहले वाले इमेज के साथ में ठीक है मतलब जो पहला फ्रेम में आपने जो किसी कैरेक्टर को मान लो बनाया ठीक है फिर बाद वाले फ्रेम्स में आपने क्या किया उस कैरेक्टर के हाथ में कुछ दे दिया उस कैरेक्टर के हाथ से बैट बॉल मतलब दे दिया ठीक है या बैडमिंटन दे दिया कुछ दे दिया उससे क्या हो रहा है वो उसे खेलता हुआ दिखाई देगा ठीक है मतलब आगे वाले फ्रेम्स में हम क्या बना दें कि वो जो कैरेक्टर आपने बनाया उसको क्रिकेट खेलते हुए दिखा सकते हैं ठीक है मतलब अलग अलग चीजें हम अलग अलग फ्रेम में बना देंगे फिर उन सारे फ्रेम्स को एक साथ चला देंगे तो आपको वो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन ऐसा लगेगा कि वो कोई कैरेक्टर क्रिकेट खेल रहा है ठीक है फिर है ट्विंड एनिमेशन वो क्या होता है इन दिस वी क्रिएट स्टार्टिंग एंड एंडिंग की फ्रेम्स टू एनिमेट द ऑब्जेक्ट इसमें हम क्या करते हैं ट्विन वाले में इसमें हम क्या करते हैं पहला फ्रेम बना लेते हैं और लास्ट फ्रेम बना लेते हैं बीच वाले फ्रेम्स को हम एडिटिंग के द्वारा रीमिक्स मतलब मैच कर देते हैं कि भैया इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ऐसे एडिट करके हम लोग इसको चला देते हैं ठीक है तो ट्विनिंग होता क्या है तो इस लेक्चर में ट्विनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे तो बेटा ट्विनिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे इस लेक्चर में बस आपका इतना ही ठीक है कि एनिमेशन क्या है एनिमेशन कैसे लगता है ठीक है और दो टाइप के एनिमेशन क्या क्या है किस तरीके से हम एनिमेशन कर सकते हैं ठीक है तो ट्विनिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे इस लेक्चर में बेटा आपका बस इतना ही थैंक यू क्लास